हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ स्लीव डिज़ाइन। ये हमारी स्लीव्स है, इसकी जो लंबाई है वो 9 इंच है, मोहरी 5.5 इंच, आर्म होल 7 इंच और ये हमने ले लिया 3 इंच और नीचे से भी हम 3 इंच लेके इसे कट कर लिए हैं। ये हमारी पट्टी है, इसी से हमें फ्रिल और पाइपिंग बनानी है। तो इस तरह से आप लंबी पट्टी कट कर लीजिए और इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच है, ब्लैक वाले की, और ग्रीन की 3 इंच है। इस तरह मैंने 3 इंच पे रख के कट कर लिया है क्योंकि मुझे ग्रीन की पाइपिंग बनानी है। तो आपको जिस भी कपड़े की पाइपिंग बनानी है आप उस कपड़े को 1/2 इंच या 1/4 इंच एक्स्ट्रा ही रखेंगे। देखिए ये मैंने ज्वाइंट डाला है बीच में, कपड़े छोटे हो गए थे तो ज्वाइंट को मैंने इस तरह से रखा है और अंदर की तरफ फिनिशिंग वाला। अब हमें किनारे से सिलाई लगा लेना है बिल्कुल बराबर करके। तो इस तरह आप किनारे से सिलाई लगा लीजिए, उसके बाद इसे ओपन कर लेंगे। तो जिधर हमें पाइपिंग डालनी है कपड़े हमें उधर ही रखना है। ये देखिए जो मैं दिखा रही हूँ, हमें जिस भी कपड़े पे पाइपिंग डालना है, जैसे कि मैंने ग्रीन वाले को बड़ा रखी थी क्योंकि मुझे ग्रीन पे पाइपिंग डालना है, तो उसे हम कपड़े का जो मुंह है हम उसी की तरफ रखेंगे। अब इस पे हमें प्रेस कर लेना है, इस तरह से अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह से हमने ये प्रेस कर लिया। उसके बाद आपको जितनी भी पाइपिंग चाहिए, पतली मोटी जैसे भी चाहिए, आप उस तरह से कपड़े को डबल में इस तरह से रख लीजिए और दोबारा प्रेस चलाइए ताकि वो सेट हो जाए। मैं इसके ऊपर फिर से पाइप एक बार प्रेस चलाऊंगी। अब इस तरह से देखिए हमारी सुंदर सी पाइपिंग बनके रेडी हो गई है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। तो इस तरह पूरे पट्टी पे प्रेस चला लीजिए। तो ये हमारी ना जो बहुत सुंदर सी पाइपिंग बनके रेडी हो जाती है। देखिए मैंने पूरे कपड़े पे प्रेस चला ली हूँ और ये जो हमें फ्रिल जो चाहिए था वो 1.5 इंच चाहिए था, तो हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें इस तरह से कट कर लेना है। इस तरह हमने पूरे पट्टी पे इस तरह कपड़ा कट कर लिए हैं। अब ये हमारी जो पट्टी 2 इंच की रह गई है और 1/2 इंच पे हमें सिलाई लगानी है, तो ये हमारी जो पट्टी वो 1.5 इंच की बन के रेडी हो जाएगी। अब यहाँ से हमें क्या करना है, फ्रिल बनाना स्टार्ट करना है। तो सामने से हमें 1.5 इंच छोड़ देना है, जैसे कि हमने आस्तीन पे रखा था 1.5 इंच का मार्जिन था वो छोड़ते हुए वहाँ से हमें फ्रिल बनाना स्टार्ट करना है। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से आप 1/2 इंच का इस तरह फ्रिल बनाते जाइए। ये देखिए इस तरह से सुंदर सा फ्रिल बन के रेडी हो जाएगा। इसी तरह हमें पूरे पट्टी पे बना लेना है। ये देखिए ये मैं बना ली हूँ पूरे पट्टी पे इस तरह से ये फ्रिल। अब इसे हमें आस्तीन पे अटैच करनी है। ये हमारे स्लीव से, अब इसे हम ओपन कर लेते हैं और हमें पट्टी को इस तरह रखनी है। अब यहाँ से हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो सिलाई हमें जो हमने पाइपिंग सॉरी जो हमने फ्रिल बनाने के लिए सिलाई लगाए हैं उससे थोड़ा सा आगे लगाना है,
ताकि जो सिलाई है वो दिखे ना। तो इस तरह से आप जो सिलाई लगाएं उसके थोड़ा आगे लगाएं, ताकि हम इसे पलटेंगे तो ये नहीं दिखेगा। अभी देखिए जो ये हमारा पट्टी है वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है, तभी से हमें खोल लेना है। यहाँ से हम इस तरह से ओपन कर लेंगे। और बाकी जो कपड़ा है उसे कट कर लेते हैं, क्योंकि हमें 1.5 इंच प्लेन चाहिए था, उस पर फ्रिल नहीं चाहिए, हमारा मार्जिंग है वो। तो इस तरह से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया, ये देखिए सुंदर सा फ्रिल बन के रेडी हो गया है। अब हमें इस पर टॉप पे सिलाई लगानी है। तो इस तरह हमने टॉप पे सिलाई लगा लिए। तो ये हमारी आस्तीन बिल्कुल रेडी है। आप इस पे ब्लाउज़ पे, सूट पे, किसी पे भी लगा सकते हैं। अब इसे उल्टा करके यहाँ से जो भी आपका फिटिंग है, जैसे 5.5 इंच मोहरी है तो वहाँ से निशान लगाते हुए इस पे आप सिलाई लगा लीजिए। इस तरह से परी हमारी आस्तीन बन के रेडी हो गई है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।